नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बहुबरा में दो पक्षों में मारपीट होने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि खतौनी की जमीन को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुई थी। मामले को संज्ञान लेते हुए SDM सदर और CUCT थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया है। SDM ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां श्रमजीवी एक्सप्रेस में गाजीपुर के विधायक के गनर से कार्बाइन लूट का मामले में विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद सुल्तानपुर GRP थाना अध्यक्ष शमीम अली को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल सिपाही पर जानलेवा हमला और कार्बाइन समेत मोबाइल लूट के मामले में तत्कालीन कार्रवाई में लापरवाही मिलने पर SP GRP ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वहीं RPF थानाध्यक्ष पर भी तलवार लटक रही है। सुल्तानपुर सड़क पर चलने वाले दो चक्का और चार चक्का के साथ ई रिक्शों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उप निरीक्षक यातायात अनूप सिंह ने काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वन वे मार्ग अहम से आने वाले ई रिक्शों को का सब्जी मंडी में प्रवेश बंद करवाना और जिला अस्पताल मोड़ को जाम से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यातायात उप निरीक्षक अब अपनी टीम के साथ नगर क्षेत्र में आम लोगों की सुरक्षा यात्रा को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि रोडवेज के पास सही ढंग से सड़क पर ई रिक्शे खड़े नहीं मिले तो चालान के साथ सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां हाल ही में यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने PM मोदी को भगवान का अवतार बताकर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं BJP के एक और नेता ने शिक्षा मंत्री से दो कदम आगे निकल करके PM मोदी को भगवान श्री राम और CM योगी को भगवान कृष्ण की संज्ञा दे डाली है। BJP के पश्चिमी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंगल ने कहा है कि जिस तरह भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने जनता के लिए काम किया है, ठीक उसी तरह PM मोदी और CM योगी जनहित में कार्य कर रहे हैं। ऐसे समय में जब देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, ऐसे समय में ही क्यों योगी जी ने क्या नाम है योगी जी मोदी जी को आरोप लगाते हुए एक तरीके से केजरीवाल ने आरोप लगाया है, इनको आज ही क्यों गणेश जी लक्ष्मी जी याद आ रहे हैं केजरीवाल जी को? खबर संभल से है, जहां मामूली बात को लेकर के जमकर पथराव और फायरिंग हुई है। फायरिंग बाजी में दो युवकों को गोली लग गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नौमान, झगड़ा हुआ था, हम गए थे बचाने के लिए, तो हम खड़े हुए जाके तो हमारे ताए से हुआ था, तो उनने हमारे ऊपर ही गोली चला दी। बंदूकें थी दो के पास, एक दो भाई हो गए, मतलब एक ने ऊपर को चलाई, एक ने हमारे ऊपर को चला दी। हम ही खड़े थे दो भाई, बाकी सब नीचे थे, हम छत पे खड़े थे, तो हमारे ऊपर कोई चला दी गोली। उत्तरकाशी में नीलांग बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पागल नाला पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने 10 करोड़ की लागत से BRO द्वारा बनाए गए पुल का शुभारंभ किया, जिसे सेना को समर्पित कर दिया गया। पुल शुभारंभ के दौरान सेना, BRO, ITBP के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस पुल की लंबाई 65 मीटर है। इस पुल के बनने से बॉर्डर का सफर आसान होगा। देखिए, ये पागल नाला इसको बोला जाता है, और ये स्थान जो है पागल नाले के उससे था। जब अचानक कब ये पानी से आ जाए और कब कोई कैजुअलिटी हो जाए, इस पुल बनाने के लिए भी एक चैलेंज था। और आज जो है हमारे जो BRO के हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जी हैं, वो आज शरद जी, वो आज हमारे साथ में हैं। हमारे BRO के तमाम अधिकारी, ITBP के तमाम अधिकारी,
और आज जिस पुल का उद्घाटन है और आज हमारे जो देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो आज ऑनलाइन पूरे जो हमारा आज़ादी का अमृत उत्सव है उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर 75वीं वर्ष वो है अमृत उत्सव है और 75वीं जो है जो पुल का उद्घाटन बॉर्डर में पूरे जो प्रोजेक्ट है पूरे भारत वर्ष के अंदर उनका आज जो है उद्घाटन किया जा रहा है, अनावरण किया जा रहा है। खबर थराली से है जहां बहुचर्चित पिंकी हत्याकांड और 2 माह पहले हुए एक और दलित युवक वीरेंद्र की हत्या आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पिछले 15 दिनों से दीवाल ब्लॉक मुख्यालय पर आंदोलनकारी पिंकी के हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं आज विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने थराली दीवाल तिराहे पर एकत्रित होकर के थराली बाजार से तहसील परिसर राड़ी बगड़ तक विशाल जुलूस निकाला और शासन प्रशासन की नाकामी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय में आम सभा कर धरना दिया। उसके विरुद्ध MBW 82 कुड़की और फिर उस पर मजदूरी ने चार्जशीट ली है, उसमें इनाम हुआ है। अभी हाल ही में उसमें 2500 से बढ़ के इनाम 5000 हो गया है। उसमें लगातार पुलिस का जो प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है जल्दी उसकी गिरफ्तारी करने का। और वीरेंद्र राम के उसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है, उसमें IO इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। वीरेंद्र राम ने जो नामजद दिए हैं पहले पंचायतनामा की जो इंक्वायरी हुई थी उसमें उन्होंने उनके बयान में भिन्नता है, उसमें हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसमें तथ्य साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, जैसे ही किसी के विरुद्ध तथ्य आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज अंततः बहुप्रतीक्षित मोटर पुल का जनता का इंतजार खत्म हो गया है। आज पिंडर घाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली ग्वालदम पर BRO द्वारा निर्मित 3 मोटर पुलों का लोकार्पण शुक्रवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की गलवान घाटी से वर्चुअल माध्यम से किया। ग्वालदम से सिमली तक BRO द्वारा निर्मित इन 3 मोटर पुलों में से लोल्टी मोटर पुल पर लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकास का संकल्प पर एक कदम हम आगे बढ़ते हुए पूरे देश को आज 75 पुलों का लोकार्पण करते हुए देश को समर्पित किया गया है और आज हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं और हमारे इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें वर्चुअल जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से इन 75 पुलों के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र की मेरी विधानसभा के जो 3 पुल कुलसारी बुशेड़ी और लोल्टी का लोकार्पण हुआ है, मैं इस मौके पर अपने क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से BRO को आज ब्रिगेडियर साहब यहाँ पते, कर्नल साहब यहाँ पते, जिनके अथक और एक समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया है, मैं उसके लिए भी पूरे BRO को, सीमा संगठन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड महिला मंच ने देश भर की जिम्मेदार महिला संगठनों के साथ मिलकर के फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की है। ये टीम गुरुवार को अंकिता के गांव डूब श्रीकोट पहुंची थी, जहां उन्होंने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया कि ये 20 सदस्य टीम दलों में बंटकर अलग अलग स्थानों का दौरा कर साक्ष्य जुटा रही है। दल में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र संगठन शामिल हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस जो है वो केवल उत्तराखंड के लिए दिल दहलाने वाला नहीं था, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई और इसी के तहत हम लोगों ने एक राष्ट्रीय दल महिला संगठनों का और मानवाधिकार संगठनों का एक राष्ट्रीय दल गठित किया और हम अभी आए हैं, 40 दिन हो गए इस कांड को। हम लोग इस वक्त आरंभिक तथ्यान्वेषण के लिए
इस वक्त उत्तराखंड की 8-10 महिलाएं हैं ही होगा, और अन्य जो धरना चल रहा है, जो वहाँ जिन लोगों ने दबाव बनाया उन लोगों से मिलेंगे। और आज हम लोग यहाँ पे अंकिता के परिजनों से मिलने आए, उनके गांव में, और जो यहाँ संघर्षशील साथी हैं हम उन लोगों से मिल रहे हैं। गदरपुर में पुलिस ने 4 चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं घटना में 2 चोर फरार हो गए हैं। इस दौरान चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि 27-28 अक्टूबर की रात को महतोष पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध रूप से घूमता हुआ दिखाई दिया। जब गदरपुर पुलिस टीम ने इस युवक से पूछताछ की तो उसने चोरी की 4 बाइक बरामद करवाई है, जो अलग अलग थाना क्षेत्र से बरामद की गई है, और अपने 2 फरार साथियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। देखिए, ये गदरपुर क्षेत्र में जो है काफ़ी दिनों से चोरी की घटनाएं के जो है बातें संज्ञान में आती रही हैं, तो हमारे थाना स्तर से थाना अध्यक्ष ने एक यहाँ पर ये चोरी के वारदातों का वो करने के लिए एक टीम गठित की गई। कल 27/28 की रात्रि के समय में जो है जो हमारी टीम ये मुख्य चौराहे से बाजार क्षेत्र में गई, तो रात्रि की लगभग 1100 बजे ये प्रेमनगर पुलिया के पास एक अभियुक्त घूमता हुआ दिखाई दिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम आकाश गुप्ता, सनोब राजेश गुप्ता, जो कि यहीं गदरपुर का क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसे हम लोगों ने पूछताछ की तो उसने ये स्वीकार किया कि मैंने अपने 2 साथियों के साथ में जो है यहाँ से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। थराली अस्पताल जनता कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विकासखंड नारायण बगड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्र झिझोड़ी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर के 272 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में जनरल सर्जन, आर्थो सर्जन, स्त्री व बाल रोग विशेषज्ञ, ENT सर्जन के साथ विभिन्न गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की गई। खबर फरुखाबाद से है, जहां रेलवे लाइन की टूटी पटरी से पैसेंजर ट्रेन निकलने से दिव्यांग बोगी के 2 पहिए जमीन में धस गए। लोको पायलट की सूझबूझ के चलते बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गई। हादसे की जानकारी मिलने पर CO अमृतपुर रविंद्रनाथ राय ने थाना पुलिस और रेलवे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सिद्धार्थनगर जिले में कल देर शाम भवानीगंज थाना क्षेत्र के अहिरोला सोनबरसा गांव के पास दिखा तेंदुआ जैसा जीव। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के अहिरोला सोनबरसा गांव के सीबान में तेंदुआ जैसा एक जीव दिखा, जिसे देख ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम इस पूरे घटना की जाँच कर रही है। मेरे पास ग्रामीणों का फोन गया था कि हमारे यहाँ लेपर्ड देखा गया है। मैं आनंद थाने में अपनी टीम लेके लमसम 8:15 करीब यहाँ आ गया था। प्रधान के नेतृत्व में गांव की बहुत जनता साथ में थी, मैं यहाँ खोजबीन किया। अब मेरी टीम जो है, जब तक क्लियर नहीं हो जाता मेरी टीम हमेशा उसको निगरानी करती रहेगी और सर्च करती रहेगी कि मामला है क्या, क्योंकि इस तरह की प्रजातियां फिशिंग कैट जो है तालाब के किनारे जो है पाए जाते हैं। हाथरस में गोवर्धन मेले में जमकर चले लाठी डंडे से मेले में भगदड़ मच गई। दुकान पर सामान खरीदने को लेकर के पैसे के लेन देन के लिए मारपीट की गई है। मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। खबर बिजनौर से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को डंडा से मार करके हत्या कर दी। शराब पीने के लिए रुपए न देने पर कलयुगी बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ करके जेल में डाल दिया है। आज प्रातः चांदपुर थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि लैनपुरी गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी माँ को डंडे से मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी चांदपुर और
थाना प्रभारी चांदपुर महफोर्स के मौके पर पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी करने पर यह आया कि बीती रात्रि में सुमंत्रा देवी, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, उसका बेटा देवेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, अविवाहित है, दोनों गांव में रहते थे और कोई घर पे नहीं रहता था। और बीती रात्रि इनमें किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, जिस पर बेटे ने जो है देवेंद्र ने माँ को डंडा मार दिया और डंडे से जो चोट लगी उसी से जो है वो बेहोश हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।